हेलो हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। कमल की तरफ से सभी को नमस्कार। इंडियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो पेरेंट्स की क्वेरीज को लेकर बनाया जा रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स की हमें व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, ईमेल के थ्रू पेरेंट्स हमसे जो कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उनकी जो क्वेरीज है हमारी कोशिश रहती है कि एट द प्रेजेंट ही उनकी क्वेरीज है वो सॉल्व कर दी जाए। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि या तो हम कॉल नहीं पिक कर पाते हैं, उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि बाद में उनके जो मैसेज है उनका रिप्लाई कर दिया जाए। तो आज मेरे पास दो क्वेरीज आई थी व्हाट्सएप के थ्रू जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, तो मेरी कोशिश है कि मैं वीडियो के थ्रू उनका पूरी जो भी क्वेरी थी उसको सॉल्व कर दूँ। तो जो पहली मेरे पास क्वेरी आई थी वो आई थी मेहताब जी की लखनऊ से। मेहताब जी का क्वेश्चन था कि उनके जो बच्चे की एज है वो 15 मार्च 2010 है, क्या वह सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल है। तो मेहताब जी, कमल की तरफ से आपको नमस्कार। मेहताब जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके बच्चे की जो एज है वो 15 मार्च 2010 है, तो आपका बच्चा इस साल सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो दे सकता है, क्योंकि सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम भरने की जो इस साल के लिए डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए बच्चे की, वो होनी चाहिए 1 अप्रैल 2009 से लेकर और 31 मार्च 2011 के बीच में। तो आपके बच्चे की जो एज है इस क्राइटेरिया के बीच में आती है, तो आपका बच्चा इस साल सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है और एग्ज़ाम में अपियर हो सकता है। अगली जो क्वेरी है वो जसप्रीत जी की है, फ्रॉम मुक्तसर पंजाब। जसप्रीत जी ने क्वेश्चन पूछा है कि बच्चा एक साथ सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। तो जसप्रीत जी, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का फॉर्म एक साथ भरा जा सकता है, पर जो आपके बच्चे की एज है वो 10 से 12 साल 6th क्लास के लिए और 13 से 15 साल 9th क्लास के लिए होनी चाहिए, तभी आपका बच्चा फॉर्म भर सकता है। बाकी की डिटेल आप स्क्रीन पर साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने जो 6th क्लास के लिए जो एज ग्रुप है, जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो डाल दी है, और साथ ही 9th क्लास के लिए जो होनी चाहिए वो भी मैंने डाल दी है। तो अभी भी अगर जो किसी पेरेंट्स की कोई क्वेरी रह जाती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर वो हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। आगे भी हम जो पेरेंट्स की क्वेरीज लेकर आते रहेंगे वीडियो के थ्रू, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंडियन डिफेंस एकेडमी से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।